प्रणाम, शुभ सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज की इस योग यात्रा में। आज का हमारा विषय है अनिद्रा या इनसोमनिया, यानी नींद ना आने की समस्या। ये एक प्रकार की समस्या है और जब ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो धीरे धीरे ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। और ये बीमारी ही नहीं, अन्य बीमारियों की जड़ भी है, यानी यूँ कहें कि अन्य बीमारियों का आमंत्रण है। इसलिए समस्या से निजात पाना अति आवश्यक है। इस बीमारी से, इस समस्या से हमें निकलने में योग बहुत बड़ी मदद करता है। तो आइए आज हम कुछ आसन या प्राणायाम समझते हैं, उन्हें जानते हैं। योग की शुरुआत में सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। उसके लिए आप सभी किसी भी आरामदायक स्थिति में आ जाएं। जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, जिन्हें घुटने की किसी प्रकार की समस्या है, वे अपने सोफा या कुर्सी पर ही बैठे रहें। बाकी आलती पाती लगा लें या जो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं वे इस प्रकार बैठ जाएं। दोनों हाथों की बना लीजिए आप चिन्ह मुद्रा। इन्हें पहली उंगली और अंगूठा स्पर्श करता हुआ दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। चेहरे पर शांत भाव और हल्की सी मुस्कुराहट रखें। तनाव को त्याग दें और अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखें पूरी सजगता के साथ। प्रार्थना के लिए तैयार होंगे? भरिए गहरा श्वास। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल दें, हस्त मुद्रा खोल दीजिए जी। शुरुआत में हम करेंगे एक शोधन क्रिया से, कपालभाति से। कपालभाति को कई लोग प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, किंतु यह शोधन क्रिया है। तो उसके लिए आप लोग फिर से आराम से बैठे रहें। जो सोफा कुर्सी पर है उसी पर रहें और बाकी साधक जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वे वज्रासन में आ जाएं। इस प्रकार दोनों हाथों को घुटने पर रख लें। आपको श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ धकेलना है, यानी एक्सहेलेशन के साथ में आपको स्ट्रोक्स लेने हैं। जिस प्रकार हमारे साधक कर रहे हैं आप इन्हें देखकर इस प्रकार से कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आपको पेट को अंदर की तरफ धकेलना है। जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, कपाल भाती, कपाल यानी माथा, भाती यानी चमकाना। हमारे ब्रेन के कई सेल्स हैं, उन्हें यह डेवलप करता है, उन्हें खोल देता है कई तंतुओं को। जिन साधक को हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है वे इसे थोड़ा आराम से करें, उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जी। धीरे से इससे बाहर आ जाएं। गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास करें। जब भी आप कपालभाति करें उसके बाद में आपकी श्वास लंबी और गहरी कर लीजिए। अपने आप को फिर से बैलेंस कर लें, सम स्थिति में ले आए जी। ये थी एक शोधन क्रिया। अब हम बढ़ेंगे आसनों की ओर। आसनों के क्रम में हम सबसे पहले करने जा रहे हैं वह ताड़ासन जी। ताड़ासन के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में दूरी बना लें हल्की सी। दोनों हाथ आपके साइड से हों और दोनों हाथों को साइड से खींचते हुए आप ऊपर ले जाएं। हाथों का फिंगर लॉक बना लीजिए। हथेलियां पलट दें छत की तरफ या आकाश की तरफ। अपने हाथों को ऊपर खींचे, ऊपर खींचे, हाथों को ऊपर खींचे। और जिन्हें पैरों में किसी प्रकार की समस्या है
वे अपनी एड़ियां नहीं उठाए, बाकी साधक धीरे से अपनी एड़ियां इस प्रकार उठा सकते हैं। सामने आप किसी पॉइंट पर फोकस करेंगे, एकाग्रता के साथ किसी एक बिंदु को आप देखेंगे तो आप इसमें रुक पाएंगे, धीरे से आप वापस आ जाएं। एक अच्छा सा खिंचाव, एक अच्छा सा स्ट्रेच बॉडी पेन को कम करता है, खत्म करता है। धीरे से आप इससे बाहर आ जाएं, इस आसन से भी बाहर आ जाएं। जी कुछ देर इसी में विश्राम करें, श्वास प्रश्वास चलने दें और फिर से आप इसी में जाएंगे। फिर से हाथों को ऊपर ले जाएं, फिंगर लॉक करें, हथेलियां पलट दें, खींचे आकाश की ओर, एड़ियां उठाएं। देखें सामने, ये जो साधक एड़ियां उठा नहीं पा रहे हैं या बैलेंस गड़बड़ा रहा है, वे अपनी एड़ियां धीरे से नीचे रख लें पर इसी खिंचाव में रुके रहें। सामने देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आप पूरे शरीर में हाथों की उंगलियों से लेकर एड़ी तक एक अच्छा खिंचाव का अनुभव करेंगे। धीरे से इससे बाहर आ जाएंगे, इस आसन से बाहर आ जाएं। जी यह आसन भी अच्छी नींद लाने में कारगर है। अगला आसन है इसी क्रम में हमारा पादहस्तासन। उसके लिए भी पैरों में हल्की दूरी रखें, शोल्डर जितने हैं आपकी उतनी दूरी रखें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियां सामने की ओर हो। एक बार यहाँ पर आप श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 अपने हाथों को आप नीचे लाएंगे। ध्यान रखें आपके घुटने बैंड ना हो, सिर्फ आपको कमर से ही नीचे आना है। अब अपने हाथों से मैट को छूने की कोशिश करें। यदि आप मैट को नहीं छू पा रहे हैं तो भी चलेगा, थोड़ा सा आप कम आएंगे ऊपर तो भी चलेगा। शुरुआत में एकदम से आप यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपके घुटने बैंड नहीं हो, एक प्रकार का पीछे से लेकर पूरा आपकी स्पाइन तक खिंचा हुआ है, आपकी गर्दन पूरी तरह से नीचे लटकी रहे, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ होगा इस समय। जी धीरे से फिर से इस आसन से बाहर आएंगे, हाथों को खींचते हुए ऊपर, हाथों को साइड से नीचे, रिलैक्स। यहीं पर दो से तीन आप अच्छी श्वास और प्रश्वास लीजिए। जी इसी को फिर से दोहराएंगे हम। दोनों हाथों को फिर से आप ऊपर ले जाएं, हथेलियां सामने की ओर हो आपकी, हाथों को खींचते हुए नीचे लाएं, कमर से अपने आप को, चेस्ट को, पेट को आगे खींचते हुए आपको लाना है इसी प्रकार। हाँ कोशिश कीजिए आपके पैर या मैट या जमीन को आप छूने का प्रयास करें, हमेशा आपका प्रयास आगे की ओर बढ़ने का ही रहे। इसी प्रकार रुके रहना है आपको, आपकी गर्दन पूरी तरह से नीचे रहे, सिर की तरफ आप देख पा रहे हैं, चेहरे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होने से आपके चेहरे और बालों के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस बन जाता है। इसी में आप जितनी देर रुक सकते हैं, कम से कम 20 सेकंड या 30 सेकंड आप रुकें और धीरे 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 फिर से वापस आ जाएं। उसी क्रम से, जिस क्रम से आप आसनों में प्रवेश करते हैं आपको आना भी उसी क्रम से। धीरे से हाथ साइड से नीचे, दोनों हाथों को पीछे बांध कर इसी में विश्राम करें, दो से तीन श्वास और प्रश्वास। अगला आसन हमारा बैठकर है, उसके लिए आप फिर से नीचे बैठ जाएं, बालासन। बालासन के लिए आपको वज्रासन में आना होगा, फिर से आप वज्रासन में आ जाएं, दोनों पैरों को मोड़ लें। हाँ दोनों हाथों को फिर से आप ऊपर ले जाएं, हाँ हथेलियां सामने की ओर होगी आपकी, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, जितना आप खींच सकते हैं खींचिए। एक अच्छा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आपके हाथ नीचे, हाथ को जमीन पर रख दें, मैट पर रख दें और अपने माथे को धीरे से मैट पर टिका दीजिए, जमीन पर टिका दीजिए। यहीं पर सामान्य श्वास और प्रश्वास को चलने दीजिए, इस स्थिति में ही हल्की हल्की श्वासें चलने दें, यह एक आरामदायक स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें, बने रहें। इसमें आपको आने पर अपने आप हल्कापन अनुभव होगा, साथ ही आपकी पूरी पीठ पूरी स्पाइन में खिंचाव आ रहा है, साथ में पीछे हमारे दोनों साइड में जो किडनियाँ होती है, किडनी की फंक्शनिंग अच्छी होती है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है जो कि एक नेगेटिव हार्मोन कार्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, उसको भी यह बैलेंस करता है, आप तनाव मुक्त होते हैं इस अभ्यास से। धीरे धीरे फिर से वापस आएंगे, हाथ फिर से ऊपर, आने का वही क्रम होगा जो जाने का था। जी हाथ फिर से साइड से नीचे,
रिलैक्स, यहीं पर श्वास और प्रश्वास चलने दें। आंखें बंद कर कर कुछ देर इसी स्थिति में बैठे रहें, क्योंकि इस क्रम को दोहराने के लिए जो साधक इस प्रकार वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं या जिन्हें घुटने की कोई समस्या है, तो वे फिर आलती पालती में भी इस प्रकार जा सकते हैं। एक बार आप आ जाइए सुखासन में, सुखासन में भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरह से आराम से बैठ गए, दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले लें, खींचिए अपने आप को ऊपर और खींचिए, अच्छा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आ जाएं। हथेलियां जमीन पर टिका दें, माथे को फिर से नीचे रखकर आंखें बंद कर इसी स्थिति में रुके रहें। कुछ देर आपको इसी स्थिति में बने रहना है जी। धीरे से वापस आएंगे, हाथ फिर से ऊपर, हाथ साइड से नीचे और रिलैक्स। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आप इसी में रिलैक्स करें जी। अगला क्रम है हमारा आसन का मार्जरी आसन, जिसे हम कैट पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके लिए आप आ जाइए अपने घुटनों और पैरों के बल पर। इसमें आपके हाथों में दूरी उतनी रहे जितनी आपके कंधों की दूरी है, आपके दोनों घुटनों की दूरी उतनी रहे जितनी कि आपके कंधों की दूरी है, दोनों सभी दूरी समान रहे। यहीं से आपको श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन आपके नीचे जाए, इस प्रकार। आप देख पा रहे हैं? हाँ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर से आपकी गर्दन ऊपर ऊपर ऊपर, गर्दन पे खिंचाओ। हाँ, इस समय आपकी पीठ, आपकी कमर अंदर की ओर है, और जब आप श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर जाएं, गर्दन नीचे ले जाएं, तो आपकी चिन चेस्ट में गड़ जाए। चिन लॉक करना है आपको, और आपकी पीठ ऊपर से एक आर्च जैसा एक शेप बनेगा। ये आपको कमर दर्द से भी राहत दिलाती है, क्योंकि हम दिन भर की कई सारी गतिविधियों में लगे रहते हैं, तब हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हम सोने को जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे कमर में दर्द है, तो उससे भी आपको ये निजात दिलाएगा जी। इसको भी आप 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे जी, और धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे जाएं। धीरे से फिर से आप इस आसन से बाहर आ जाएं, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। निद्रा के लिए सबसे अच्छा आसन है शवासन। शवासन को आप बड़े आराम से अपने बिस्तर पर, जहां आप सोने जा रहे हैं उसी स्थान पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े आराम से सिर्फ लेटना होगा। शवासन में लेटने के लिए अपने पैरों में दूरी बना लें और सीधे लेट जाएं। शरीर को आप पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। शरीर के किसी भी हिस्से में, किसी भी जॉइंट में, किसी भी सेल में कोई खिंचाव या तनाव ना हो। इस प्रकार अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। सुनिश्चित कर लें कि आपके पैरों में हो दूरी, आपके हाथ शरीर से दूर हों, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर शांत भाव रहे। मन से और शरीर से तनाव पूरी तरह दूर त्याग दें। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ें और अपने शरीर के एक एक हिस्से को दृष्टा भाव के साथ देखें और अपने शरीर को अपने आप ही आप स्वयं ही शिथिल करते जाएं। इसमें भी आप आराम अनुभव करेंगे जी। ये थे कुछ आसन जो हमने देखे, हमने जाने, हमने समझे। आपको इसका नियमित अभ्यास करना होगा। आसनों के बाद अब अगला क्रम आता है प्राणायाम का। प्राणायाम के लिए आप फिर से किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। अनिद्रा के लिए, तनाव दूर करने के लिए कई सारे प्राणायाम हैं, जैसे नाड़ी शोधन, खंड प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम। ये सभी प्राणायाम हमें अच्छी नींद लाने के लिए, अच्छे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। नींद के लिए हमारे माथे पर, हमारे फोरहेड पर, बीचों बीच जहाँ पर भगवान शिव शंकर का तीसरा नेत्र होता है, वहाँ पर होती है पीनियल ग्लैंड। वो जो हार्मोन्स रिलीज करती है उसका नाम है मेलाटोनिन। वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी अच्छी नींद के लिए, हमारे गुड नाइट स्लिप के लिए।
तो उस हार्मोन्स के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। तो कई सारे प्राणायाम में से आज हम जो प्राणायाम को समझने जा रहे हैं, जिसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं, वह है भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए फिर से आप किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, बड़े आराम से बैठें। दोनों हाथों की आपको बनानी होगी षणमुखी मुद्रा। इन्हें हाथों को आप चाहे ऐसे रखें, कैसे भी रख सकते हैं, हाथों को उंगलियों को फैला कर रखें, या फिर आप अपनी तीन उंगलियां अपनी आंखों पर रखें, एक उंगली अपने माथे पर और अंगूठे से कान बंद कर लें। इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, वो है आपकी कमर, आपकी स्पाइन, यानी आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। आप चाहे जैसे बैठे, आपका शरीर ढीला रहे, कंधे ढीले रहे, पर आपकी स्पाइन पूरी तरह से सीधी रहे। इस प्रकार हाथों की षणमुखी मुद्रा बनाकर आपको गहरा लंबा श्वास भरना है, गहरा श्वास भरना है, और मकार की ध्वनि के साथ आपको धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। मकार की ध्वनि यानी हमिंग साउंड, यानी जिस प्रकार भंवरे की गुंजन की, भंवरे की आवाज़ होती है, उस प्रकार की आवाज़ करते हुए आपको श्वास छोड़ना है। तो भरिए गहरा श्वास, मकार के साथ श्वास, इस प्रकार। फिर से आप गहरा श्वास और मकार की ध्वनि के साथ प्रश्वास करते जाएं। उद्देश्य है हमारे अंदर की आवाज़ को सुनना, मकार की ध्वनि को सुनना, और गले में जो हल्का सा वाइब्रेशन सा आपको फील होगा, उसे फील कीजिए। सिर्फ कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद, और जुड़ जाइए इस प्राणायाम के साथ। ये प्राणायाम अपने आप में आपको तनाव मुक्त करता है, जो कि अच्छी नींद के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी का अभ्यास करते जाएं। 5 से 10 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना होगा। यदि आपको हाथों में तनाव या खिंचाव लगता है, तो आप हाथ को धीरे से नीचे ले आएं, अपने घुटनों पर रख लें हाथों को, और इस अभ्यास को आप बिना हाथों से भी कर सकते हैं। फिर से आप गहरा श्वास भरें, इस प्रकार श्वास और मकार की ध्वनि के साथ प्रश्वास करें करें और करते ही जाएं। जी, ये थे कुछ आसन, कुछ प्राणायाम। इसके अलावा और कुछ युक्तियां हैं, या जिन्हें हम कहेंगे टिप्स, जो अच्छी नींद के लिए आपके लिए कारगर है। जैसे कि सोने जाने से पहले आप अपने पैरों को ठंडे पानी से धोकर जाएं, अपने पैरों के तलों में सरसों का तेल या बादाम के तेल से हल्के हल्के से मालिश करें, और फिर आप सोने जाएं तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि हम दिन भर अपने मोबाइल में या इन चीज़ों में लगे रहते हैं, तो आप सोने जाने से 1 घंटा पहले स्क्रीन लेस हो जाएं, यानी किसी भी तरह का स्क्रीन यूज़ बंद कर दें। तीसरा, आप सोने जाने के पहले गुनगुना दूध पीकर सोएं। यदि आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो आप उसे अवॉइड करें। जी, इसके अतिरिक्त आप जहाँ सोएं, जो आपका सोने का कमरा हो, वह आरामदायक स्थिति में और खुशनुमा माहौल में, और हल्की हल्की वहाँ पर रोशनी हो, और साथ ही हल्का हल्का संगीत भी आप सुन सकते हैं, या आप ओम नाद सुन सकते हैं, प्रणव नाद सुन सकते हैं। आप गायत्री मंत्र सुनकर सोएं। गायत्री मंत्रों के उच्चारण से, उसको सुनने से ही आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, उससे ही आप काफ़ी ही रिलैक्स अनुभव करेंगे। तो इस तरह से और मकार भी आप कर सकते हैं, यानी फिर से आप गहरा श्वास लें और मकार की ध्वनि के साथ, जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं, उस प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ें। तो ये कुछ कारगर उपाय हैं जिन्हें आप अपनाएं, और नियमित तौर पर इन्हें अपनाएं। प्राणायाम के क्रम में एक प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। उस प्राणायाम के अभ्यास के लिए फिर से कमर गर्दन सीधी रखते हुए आप आरामदायक स्थिति में बैठें। एक लेफ्ट हाथ की बना लें आप चिन्ह मुद्रा, राइट हाथ की बना लें आप प्रणव मुद्रा। जी, प्रणव मुद्रा आपके चलेगी, आपके रिंग फिंगर को आपको एक बार नोस्टल बंद करना, और एक बार आपको अंगूठे से नोस्टल को बंद करना होगा। इस प्राणायाम को आप शुरू करेंगे अपनी बाएं नासिका, यानी लेफ्ट नोस्टल से, बाएं से श्वास भरते हुए अपनी बाएं नासिका को बंद करें, और अपनी दाएं नासिका से धीरे 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 आप श्वास छोड़ें। फिर आप दाएं नासिका से श्वास भरें गहरा, दाएं नासिका को आपने बंद किया, और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। बंद आंखों के साथ
पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर हो और अब आप प्रयास करें कि जितना आप श्वास ले रहे हैं उससे दुगना समय आपको श्वास छोड़ने में लगे, यानी पूरक से दुगना आपका रेचक हो, इसका आप प्रयास करेंगे। इन्हें मन ही मन अपने श्वासों की आप गिनती गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 इनहेल और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सहेल। मन ही मन श्वासों की गिनती गिनते हुए श्वास भरें और श्वास छोड़ें। लेफ्ट नोस्टल से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये प्राणायाम अपने आप में नाम से ही पता लग रहा है, नाड़ी शोधन यानी नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ होती है, उन 72,000 ही नस नाड़ियों की ये प्राणायाम शुद्धि कर देता है। 36,000 नस नाड़ियाँ हमारी ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से जुड़ी होती है और 36,000 नस नाड़ियाँ हमारी पिंगला नाड़ी यानी राइट नोस्ट्रल से जुड़ी होती है। तो 36,000 और 36,000 नस नाड़ियों की यह शुद्धि करता है, साथ ही हमारे शरीर में प्राण वायु का संचार करता है, ऑक्सीजन के लेवल को ये बढ़ा देता है समस्त, और नाड़ियों की शुद्धि होने की वजह से पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन एक समान करता है, पूरे शरीर को एक समान स्थिति में लाता है, तनाव से तो मुक्त करता ही करता है। साथ ही इस प्राणायाम से आपके चेहरे पर तेज आता है और आप कई प्रकार की समस्याओं से निजात पा जाते हैं। इस प्राणायाम को करते जाएं बंद आंखों के साथ। सिर्फ आपको कमर और गर्दन सीधी रखनी है, इसके अतिरिक्त ध्यान पूरा अपने श्वासों पर जोड़ दीजिए, अपने मन को अपने श्वासों के साथ। हर बार श्वास और विपरीत नासिका से प्रश्वास। आपने प्राणायाम बाई नासिका से शुरू करना है और जब आप इस प्राणायाम से बाहर आए तो बाई नासिका से ही धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको बाहर आना है जी। धीरे से इस प्राणायाम को भी आप 5 से 10 मिनट तक दोहराएं, करते जाएं और फिर इस प्राणायाम से आप बाहर आ जाएं। बाहर आकर फिर से बंद आंखों के साथ अपना ध्यान अपने श्वासों पर ही रखें और श्वासों में जो परिवर्तन आया है उसे अनुभव करें। पहले की अपेक्षा आप अधिक सहजता से श्वास ले पा रहे और छोड़ पा रहे हैं। इस प्राणायाम का अद्भुत चमत्कार है जो आपके श्वासों पर हुआ और श्वासों में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को अनुभव कीजिए, इस आनंद को अनुभव कीजिए चेहरे पर शांत भाव और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। प्राणायाम के इसी क्रम में आज के अभ्यास में हमने कुछ आसन देखे, कुछ प्राणायाम देखे और कुछ युक्तियाँ देखी। आपको इन्हें 1 या 2 दिन नहीं, रोज करना है और अपने नियमितता में इसे रोज अपने जीवन में अपनाना है। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। आशा है ये सभी उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हों। प्रणाम। जय भारत।